नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत सुमन और मैं आज आपको बताऊंगा कि मॉडर्न स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। तो जैसे आपको ये लिंक भेजी गई है मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं ऊपर भी, या फिर आप इधर नीचे दी गई है इधर नीचे भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे जो साइट है वह ओपन हो जाती है और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा जो होम पेज है उसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको नया एक मिलेगा, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-21, और इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, गेट एडमिशन फॉर्म हियर। ठीक है, तो आपको इस गेट एडमिशन फॉर्म हियर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके एक और पेज खुल जाता है जिसमें अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप हमारे जो फॉर्म सबमिशन वाली फॉर्म है उसके ऊपर आप पहुंच जाते हैं, और इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जैसे यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेम भरना है, फादर नेम भरना है, बच्चे की मदर का नेम भरना है, देन डेट ऑफ बर्थ उसकी भरनी है। इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप आराम से इस पर क्लिक करके इधर, ठीक है, जो भी डेट है उसकी, और इधर से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं आप ऊपर नीचे करके इसको। तो ये आपके काम कर रहा है अच्छे से और आप इसको अच्छे से भर सकते हैं। आधार नंबर वगैरह, ब्लॉक जो भी रिलेटेड ब्लॉक है वह भरना है। उसके बाद जिस क्लास में अप्लाई करना चाहते हैं उस क्लास के लिए यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, जैसे एट क्लास के लिए है तो एट क्लास में कर दिया। फिर उसके बाद कैटेगरी आपको भरनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल SBC या कोई अदर, तो उसको आप यहाँ नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि माइनॉरिटी से हैं तो यस नो आपको करना है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक होता है, और अल्पसंख्यक में आपके जैन आते हैं, बुद्धिज्म आते हैं, मुस्लिम आते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने भर सकते हैं यदि माइनॉरिटी में आते हैं तो। देन आपको यहाँ पर सब कैटेगरी भरनी है, आपकी जो भी सब कैटेगरी है वह यहाँ पर आ जाएगी, जैसे BPL, नॉन BPL, है ना। यदि BPL नहीं है तो आपको नॉन BPL पर क्लिक करना है, और BPL है तो BPL पर करना है। और यदि बच्चे की फादर नहीं है और उसकी माता विडो है, विडो मतलब विधवा है, तो उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा विडो पर, और कोई और दूसरी अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप अदर अदर पर कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस भरना है, आपका जो गांव है उसका नाम वगैरह, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर भरना है एड्रेस में। देन आपके जो एक्टिव मोबाइल नंबर हैं वह आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रीवियस स्कूल का नाम लिखना है, मतलब जिस क्लास में जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ता था उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल से ही यहाँ पर कोई फ़ोटो उसका अटैच कर देना है। ऐड फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपके ये इंटरफेस खुल जाता है, तो आपको यहाँ पर यदि आपको अपलोड करना है तो आप अपने डिवाइस से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ोटो को, और जो भी फ़ोटो आपको चूज़ करना है वह आप चूज कर सकते हैं, या हाथों हाथ फोटो लेके भी आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फोटो है आप उसको चूज करेंगे और वहाँ पर आप उसको डाल देंगे। ठीक है, देन आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, इस पर डिक्लेरेशन पर यस क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से, और फिर आपको सबमिट बटन दबा देना है, तो ये आपके सबमिट हो जाता है। और यदि आपने कुछ फील्ड ऊपर खाली छोड़ दिए हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ये सारे फील्ड जो है मैंडेटरी हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी आवश्यक हैं और ये सब आपको ज़रूरी भरना होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें और फिर उसके बाद फॉर्म को भरें। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।